बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार चीज़ी गार्लिक ब्रेड, जो कि बहुत ही यमी तैयार होती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दो जो लहसुन के जवे होते हैं उन्हें मैंने क्रश कर लिया है बहुत बारीक सा, और उसमें डाल दिया है मैंने मक्खन। मक्खन मेरे पास रूम टेम्परेचर पर है, आप चाहें तो थोड़ा सा मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये मक्खन है भर के, और उसके बाद उसमें डाल दिया है मैंने जो धनिया, हरा धनिया होता है वो चॉप करके थोड़ा सा, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें 1/4 टीस्पून बिल्कुल चिली फ्लेक्स और कुटी हुई लाल मिर्चें, और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर नमक डाला है मैंने इसमें, और इसमें मैंने डाल दिया है ऑरिगानो, ये डाल दिया है मैंने 1/4 टीस्पून। बहुत कम कम सी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। मेरा जो मक्खन था वो बिल्कुल भी सॉल्टेड नहीं था, इसलिए मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है, और अगर आपके पास सॉल्टेड हो तो आप नमक ना डालें। और फिर मैंने इसे कर लिया है मैश। थोड़ा सा मेरा मक्खन हार्ड था इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो फ़ौरन से ये मिक्स हो जाएगा। अब मैंने ले लिए हैं 2 गार्लिक 2 ब्रेड के स्लाइसेस, और उसमें मैंने एक एक साइड पे ये लगा देना है। आप देख सकते हैं मैं एक अच्छी और मोटी लेयर इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। इस तरह से आप पूरे जो 2 पीसेज हैं उन पर आप इस तरह से इसे कर लीजिए, और एक एक साइड हमने इसकी खाली छोड़ देनी है। मैंने इस वक्त सिर्फ 2 ब्रेड पे बनाया है, मैंने थोड़ा सा बनाना था ट्राई के लिए और ये बहुत अच्छा बना तो मैंने शूट कर लिया है साथ साथ ही, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल की बनती है ये ब्रेड। अब मैंने एक नॉर्मल फ्राइंग पैन लिया है, उसे मैंने हल्का सा हीट किया है, तेज़ आँच नहीं रखनी है, और जो गार्लिक वाली साइड है उसमें हमने लगाना है, उसे हमने नीचे रखना है, और उसके ऊपर जो है हमने चीज़ डाल देनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी इस्तेमाल कर लें कम या ज़्यादा, इसलिए मैंने उसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं लिखी हैं। ये करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से दूसरा स्लाइस रख दूंगी, और बहुत कम मैंने इसकी आंच रखी है, आग बहुत कम है, बिल्कुल लो फ्लेम है, और ये मैंने तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे इसे सेकने में, और मैंने इसे बहुत धीमी आंच पे हर 30 सेकंड के अंदर मैंने इसे पलट पलट के जो है वो रेडी किया है। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी, और एंड में ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी रेडी होगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको दबाती जा रही हूँ जिसकी वजह से चीज़ मेल्ट होगी और बाहर नहीं आएगी। तो मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके आपको दिखाया है, थोड़ा सा टाइम इसको लगा था। ये चीज़ ब्रेड बहुत मज़ेदार तैयार होती है, तो आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही एक अच्छी सी कुरकुरी से तैयार होती है। ठीक है, अब ये मैं करती जा रही हूँ और ये रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर आवाज़ थोड़ी बंद कर दी है, इसकी जो साउंड है वो मैंने ख़त्म नहीं किया था ताकि आप लोग देख सकें कितनी अच्छी मज़ेदार रेडी हुई है, और चीज़ तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो डोमिनोज में मिलती है अगर आपने वहाँ ब्रेड खाई है तो बिल्कुल इस स्टाइल की ब्रेड मिलती है ये, और ये बिल्कुल सेम वैसे तैयार होती है। तो मैंने ये बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके साथ मेरे पास सॉस रखा हुआ था जो मैंने शवारमा वगैरह में यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक ऊपर दे दूँगी, आप देख सकते हैं सॉस उसमें शवारमा की रेसिपी में मौजूद है, मैंने वो इस पर डाल दिया है। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी बहुत ही मज़ेदार चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार है जो कि डोमिनोज स्टाइल की है। मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और साथ ही आप ये अपने बच्चों को बना कर दें, घर में शाम के वक्त स्नैक के टाइम पर बनाएँ, या वैसे ही चाय के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी है। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।